आपको ये साधना छोटी सी लगे क्या गुरु जी इतनी छोटी सी साधना, क्योंकि आप उस तपस्या को नहीं जानते जी दूसरे ने इसको कहा। एक अगर बुखार की गोली निकालना है तो उसको कितना रिसर्च किया होगा उसने, तब उसने कहा कि ऐसी गोली निकली। फिर गोली बनाने वाला क्योंकि किस तरह से गोली बनाया होगा वो बात में है, फिर गोली बॉटल में आ जाए और वो गोली आपके शरीर को सूट करके ऐसा डॉक्टर बोलना और वो गोली आपको खाने वाला आपका बुखार कम होना, इसके पीछे की प्रक्रिया अगर हम जाने तो कितनी बड़ी प्रक्रिया है। उसी तरह ऋषि अपने तत्वों से वो लोग कितनी बड़ी प्रक्रिया करने पर एक मंत्र को या एक साधना को सिद्धि को आपको प्रदान करते हैं, इसके पीछे उनकी तपस्या है, वो उनकी साधना है। हम लोग जब तक उस साधना को नहीं जानते, हमें आज बैठे हुए छोटा सा मंत्र बोलिए, उस मंत्र को गुरु के लिए उसको जानने के लिए उस मंत्र को गठित करने के लिए उसकी तपस्या कितनी काम की होगी वो उसे बता, तो किस तरह उस मंत्र को प्राप्त किया ब्रह्मांड से, उसने मंत्र को किस तरह ग्रहण किया और उस मंत्र को करके उसने देखा कि इसका फल यह है, तब उसने यह मंत्र दूसरों को दिया। यह साधना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने सिद्धाश्रम प्राप्ति के 24 उपाय ऐसे इसमें यह साधना प्रदान की थी और कहा था कि आप सक्षम बनो, आप सामर्थ्यवान बनो, आप खुद भी जी और चारों को जीने की प्रक्रिया सिखाओ, तुम्हारे लिए ये शक्ति होगी, तुम जहाँ भी जाओ लोग तुम्हें आकर्षण के साथ तुम्हें देखें, तुम्हें चाहें, तुम्हारे ऊपर उनका प्रभाव पड़े, और यह जब होता है तब आनंद वहाँ से बात करने वालों को मिलता है और तुम्हें भी मिलता है, या तुम जहाँ भी जाते हो और वहाँ तुम्हारे से आगे वाला तुम्हें समझता नहीं और तुम्हारे ऊपर वो आघात के रूप से बात करता है, तुम भी दुखी होते हो और वो भी दुखी होता है, वो भी कहता है कि ऐसे आदमी से मैं क्यों मिला और आप भी समझते हो कि ऐसे आदमी से मैं क्यों मिला। और आज के ज़माने में केवल यही हो रहा है, आज के ज़माने में केवल यही हो रहा है, देवता उनको कहा गया है कि जीव को जो देने वाला हो और ऐसा देने वाला हो जो आपके मांगने पर वो आपकी मांग पूरी करे, आपकी इच्छा पूर्ण करे, उसे देवता कहा गया। आपको आपकी इच्छा ना पूर्ति करते हुए अपनी ही इच्छा दूसरों पर लादने वाला राक्षस कहा गया, अपनी इच्छा मैं ऐसा कहता हूँ ऐसा ही करो ऐसे इस प्रकार, अरे अगले वाला क्या करता है वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं जो कहता हूँ वो करो, उसमें फायदा है नुकसान है वो नहीं चाहता और जिसको उसको क्या करने को वो भी नहीं जानता। तो इसके कारण क्या होता है कि अगला आदमी हमारे लिए दैन्यता क्या है, हम देवताओं को जो हमें सुख या शांति प्रदान करने वाले हैं उन्हें देवता कहते हैं और जो हमारे सुख और शांति को भंग करते हैं उन्हें राक्षस या दानव या कुछ भी ऐसा पा गया। यही क्रिया हम पहले से भी देखते हुए आ रहे हैं और हमारे जीवन में ऐसी कोई क्रिया हो जिससे हम आगे बढ़े को, अगर कोई डॉक्टर आपको विष भी देता है तो उस विष में जानता है कि आपको किस प्रकार आपके शरीर को ठीक किया है, लेकिन गलती से वही विष आप किसी दूसरे को देते तो तत्काल मर जाए, क्योंकि वही ये जानता है। उसी प्रकार देवता या गुरु जानता है कि आपको कौन सी गोली देनी चाहिए, हाँ आपको जरूर कष्ट होगा तो उसको करते समय, लेकिन वो आपको बचाने की प्रक्रिया करता है, आपको बताने की प्रक्रिया करता है कि आपको किस तरह बचाया जा सके, और यह जो क्रिया करने के लिए आगे बढ़ता है तब गुरु उस विष को अमृत में बदलने की क्रिया किस तरह की जाए वो अपने तत्व से जानता है, कि किसको देने से वही काम करेगी वो जानता है। तो यह जो इतने भी मंत्र है परंतु सद्गुरु जी ने इन मंत्रों को किस प्रकार कहा, किस प्रकार इस मंत्रों को दिया और किस प्रकार आगे बढ़ते गए, और उन्होंने हर एक मंत्र के पीछे उनकी कितनी साधना कितनी तपस्या नहीं कही यह उनको मालूम, मन तो केवल मंत्र लेकर साधना करते हैं और हमारी दो ही बातें मालूम, क्योंकि मैंने साधना की मेरी सफलता नहीं हुई, मैंने गोली खाई मेरी बीमारी कम नहीं हुई। अब गोली खाई बीमारी कम नहीं हुई तो वो तुम्हारे दृष्टि में है कि तुम गोली खा रहे हो किस तरह खा रहे हो और तुम्हारी प्रगति के अनुसार गोली है, क्योंकि तुम मानते हैं बोलिए आपने बुखार के लिए पैरासीटामॉल खा जाना है, डॉक्टर को पूछो तो पता चलता है कि पैरासीटामॉल डॉक्टर खुद ने खाता उगा रहा है, पेशेंट को खाने के लिए बोलता है क्यों, क्योंकि वो जानता है इसका साइड इफेक्ट क्या है। अब वो बात हम समझते नहीं, हम जानते हम उनकी बातों को सुधरा भी सकते, तो इसके पीछे जो रहस्य छुपा हुआ है वो गुरु के प्रेम करने से और गुरु के कहने वाले, गुरु का कहना आपके लिए करवा रख सकता है, गुरु का कहना आपके लिए दृष्टिपात या आपको सहन नहीं करने की शक्ति भी कह सकता है, लेकिन गुरु आपकी भाई करता है, वो आपसे आपके साथ कोई स्वार्थ रखा नहीं है, आपको विश्व भी पिलाता है तो उसके पीछे कोई भी आपकी अच्छाई भला लिए निकल जो व्यक्ति जानता है वो अपना जीवन को सुधारते हुए जाता है, अपने जीवन को अच्छी तरह जाता है। क्या क्या है वो तपस्या, तपस्या क्या करना है आपको तपाना, तपाना है आपको इतना तपाना जब स्वर्ण में अलंकार बनाना, यह गुरु जानता है। इसी क्रिया में परंतु गुरुदेव जी ने बहुत सारी साधनाएं की, मुझे यह लगता है कि अब
हम आज कहाँ तक पहुँचे, आपका मेरा संबंध चाहे 18 साल हो 20 साल हो 12 साल हो 13 साल हो, इस साल में आप सभी लोग यही कहते हैं कि मेरी हमने साधना है कि हमें सफलता नहीं हुई। मैं कहता हूँ जिंदा हो ये क्या सफलता से कम, और मैं जैसे ही मरे जाते या कुछ हो जाते आपको जिंदा रहकर मेरे पास 7 साल बुला ले रहा हूँ, ये क्या कम है कि आप स्वस्थ हैं, आप अच्छे हैं, आपको अच्छी तरह देख रहा हूँ, आप बस जाते जाते मर जाने लो, एक्सीडेंट में मर जाने लो, मेरा कोई एक साधन बताओ एक्सीडेंट में भरा हुआ है, ऐसा कोई आदमी देखा है, रात देखा है, दिन देखा है, सुख देखा है, चैन देखा है, क्या हम हमारा कर्तव्य
नहीं मिलता तो हमें काम होता है। हमें ये नहीं इच्छा है कि हम गुरु जी काम बैठे और हम वहाँ जाए, जहाँ गुरु जी कहते हैं स्वर्ग के इंद्र भी सिद्धाश्रम आने के लिए लालयित होते हैं, देवता भी सिद्धाश्रम को नहीं लालयित क्यों होते हैं? क्या कभी आपने सुना है कि यहाँ निखिल चेतना केंद्र ही नहीं पहुँचा, जहाँ गुरु का केवल नाम लिया जाता है तो सिद्धाश्रम में कोरोना कैसा पहुँचेगा? सिद्धाश्रम में पहुँचे गए उस अमृत की विद्या को जो सिद्धाश्रम में छुपी हुई है उसको प्राप्त करते हुए श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हर मेरा तो मेरे हर सिद्धाश्रम के साधक या मेरे जितने भी मेरे गुरु को मानते हैं, मेरे गुरु का मंत्र करते हैं, मैं उनसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, तुम जहाँ भी जियो, जहाँ भी खड़े रहो, तुम्हारे पीछे हजार लोग हो और तुम्हारी क्षमता हो तो उन हजार लोगों को खाना खिलाना चाहिए। अकेला तो कौन भी जीता है, दूसरों का खींच कर तो कोई भी जीता है, लेकिन अपना देकर कौन जीता है? हमारे कृष्ण महाराज कभी मुझे कहते हैं तुम्हारे को देना ही मालूम, लेना नहीं मालूम। मैं बोला देना लेना दोनों में मालूम मेरे को, लेकिन किस तरह देता हूँ, किस तरह देता हूँ ये भी आपको मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और मैं प्रभु सदगुरुदेव से यही बात कहता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, प्रभु मुझे किस तरह जीना है, आपने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर आगे चलने के लिए क्या क्रिया करनी है। मैं इन सभी उन मुखों पर वो आनंद देखना चाहता हूँ जो आप चाहते हैं, इनको वहाँ ले जाने की क्रिया चाहता हूँ जहाँ सिद्धार्थ। मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ सिद्धाश्रम में रहूँ, लेकिन सिद्धाश्रम को जरूर देखूँ, सिद्धाश्रम के उन विषयों को देखूँ, उन उस तत्वों को, उस मंत्र को जान सकूँ कि सिद्धाश्रम में क्या होता है, सिद्धाश्रम किस तरह है, सिद्धाश्रम की योजना की धूल क्या कहती है, सिद्धाश्रम की तपस्या क्या कहती है, मैं उसे देखूँ। फिर मैंने इस संसार को देखा है, यहाँ भी धोखाधड़ी है, यहाँ जिस प्रकार का हमें अन्याय देखा है, हम इसको सहन नहीं कर सके। वही आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को बताओ जो सिद्धाश्रम जाकर अन्याय कर सके, जो सिद्धाश्रम जाके धोखा दे सके, ऐसा किसी आदमी को बताओ? नहीं बन पाते, या धोखा नहीं या अन्याय नहीं, या ऐसे संसार का हम निर्माण कर सकते हैं। और जिस दिन ऐसे संसार का निर्माण कर सकेंगे उस दिन हम सक्षम हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति को बने, ना आप किसी को धोखा दें ना किसी को धोखा खाए, उसको शिक्षा देने का नाम है। किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको आरामशील रूप से कष्ट दिया है, तो उसको उसका एहसास करवाएं, तभी आप सच्चे होते हैं। अकारण किसी ने आपको धोखा दिया है, अकारण किसने आपको धोखा दुख दिया है, अकारण किसने आपके ऊपर अन्याय किया है, जब उस तक उसको शिक्षा नहीं दे सकते तब आप समर्थन को स्तर तक नहीं करा सकते। और आप भी अकारण किसके ऊपर आक्रमण नहीं करोगे, किस पर प्रहार नहीं करोगे, किसको दुख नहीं देगा, यह आपकी भी इच्छा है। तो इस प्रकार जीने की क्रिया, यह जीने की क्रिया किस तरह है, हमारे में किस तरह जी सकें, हम क्या करें से इस प्रकार जी सकते हैं, इस क्रिया को समझाने के लिए हम सिद्धार्थ में जाना है। सिद्धार्थ में कहते हैं लोग कि तुम किस प्रकार जी सकोगे। आज हमें लगता है तुम जलेबी खाऊँ, मैं गुलाब जामुन खाऊँ, मैं ये खाऊँ, क्या आप उसे खाने से तुम्हारे शरीर में क्या आप जिस बीमारी के तो बीमारी को बढ़ा रहे हैं। हम व्यंजन बनाते हैं और जीव अपने कहते हैं कि तू ये खा ले, लेकिन उससे तुम्हारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। उस बीमारियों को नहीं, आप एक पत्ता खाकर जैसे नीम के पत्ते खाकर देखो, कभी मधु नहीं आएगा, मधुमेह नहीं आएगा, लेकिन नीम का पत्ता खाने के बाद एक किलो गुड़ भी खा सकते हैं, आपको मधुमेह नहीं आएगा। लेकिन आप जानते नहीं ना, पत्ता खाने से पहले कहते हैं कि कड़वा है, ये कड़वा जैसे नहीं खाना चाहिए, बस कड़वा तो आप जानते ही हैं। और तपस्या जब तक करेंगे नहीं, तब तक आपके शरीर को तपाएंगे नहीं, तब तक आप एक श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि या मुनि नहीं कहेगा। जब तक आप में मौन नहीं आएगा तब तक मुनि नहीं बने। आप मौन रहने की तरह जानते हैं, बड़बड़ करते ही रहते हैं, क्या बड़बड़ करते हैं आपको पता है, आपको वापसी नहीं है ना, वापसी नहीं है आपके पास, तो दुख होगा ही होगा। हमें इस चीज़ों को किस तरह रोकना चाहिए और इस चीज़ों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि आप एक बार अमृत को देखो तो सही। अमृत कैसा होता है, अमृत किसे कहते हैं, एक बार देखो तो सही सिद्धार्थ कैसा होता है, एक बार देखो तो सही कि गुरु जी के चरणों में रहकर, गुरु जी के वचनों को सुनकर, गुरु जी जो कहते हैं उस प्रकार आचरण करके तो देखो कि आपको उसका पता चलेगा कि आप किस प्रकार सुख शांति और आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन आप नहीं चाहते, आप केवल और केवल गुरु जी के सामने आपकी इच्छा ही बार बार कहते हैं मेरी इच्छा पूर्ण करो। और गुरु जी जानता है जिस दिन आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी आप कहाँ गिर चुके होंगे, किस गड्ढे में होंगे, और फिर उठाना पड़ेगा तो उसको गुरु को दिखाना पड़ेगा। आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि एक बार गुरु जी ने जो कहा है कि सिद्धाश्रम सारा परिवार की स्थापना की है, तो हम सिद्धाश्रम को कैसा बने, और सिद्धाश्रम वही पहुँच सकता है जो हजार लोगों को पाल सकता है, हजार लोगों को न्याय दिला सकता है, अपने पति और शांति को देख सकता है, वही सिद्धाश्रम पहुँच सकता है। सिद्धाश्रम ऐसा विषय नहीं कर पहुँच सकता,
उसमें वो त्याग चाहिए, उसमें प्रकृति के धर्म को जाने की क्रिया चाहिए, पंच महाभूतों को जाने की क्रिया चाहिए, और उसमें वो जब क्रिया नहीं आती तब तो बात नहीं करता। और गुरु ने कहा है कि उस क्रिया को आप अगर सीखना चाहते हो तो पहले गुरु की शरण आओ, गुरु के कहने को मानो, गुरु जो कहता है जो गुरु जो कहता है उसको मानो, उसको सीखो, और जब भी सीखोगे तो आपको सूक्ष्म में क्या इसका ज्ञान होगा, इसका पता चलेगा, इसको आगे चलकर क्या करना है इसका भी ज्ञान आपको होगा। और उस सिद्धासन की पहुँचने की क्रिया में मैं चाहता हूँ कि आपके पास तो समय ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि आपकी बीवी है, बच्चे है, नौकरी है, फिर पति पत्नी से झगड़ा है, बच्चों से झगड़ा है, बच्चों की दवाइयाँ, खाना पकाना है, खाना खाना है, सो जाना है, ये सारी क्रिया। इसके बाद अगर आपको कोई समय मिलता है तो वो गुरु के लिए भी, ये समय होने के बाद अगर आपको मिलता है तो समय आप आपके गुरु को दे दो, और वो समय उतना समय गुरु के लिए बस है। आप अगर 24 घंटे में थोड़ा समय देते हो, आपका जीवन अगर 60 साल 70 साल है तो एक 60 दिन गुरु को दे दो, ऐसे 60 दिन जो गुरु के प्रति समर्पित हो, ऐसे 60 क्षण जो गुरु के प्रति समर्पित हो आप दे दो, फिर देखो गुरु आपके आपके जीवन में क्या रहता है, क्या करता है, क्या कर सकता है। ऐसी क्रिया को करने के लिए मैंने जब प्रभु से गुरुदेव से यही मांगा कि प्रभु इस गुरु पूर्णिमा में मैं अपने साधकों को ऐसी साधना देना चाहता हूँ कि जो सिद्धाश्रम के मार्ग को प्रशस्त करें और सिद्धार्थ पहुँचने के लिए आए। सिद्धाश्रम इसलिए पहुँचना चाहिए कि हम सिद्धाश्रम जाते हैं कि गुरु के कारण दशमाविद्या में भी मार्ग जाए जिसको सिद्ध हो वही सिद्धाश्रम पहुँच सकता है, तो हम दशमाविद्या में भी मार्ग सिद्ध ही नहीं कर सकते तो कैसा हम सिद्धाश्रम कैसे पहुँचे, वो प्रक्रिया को भी गुरु जी बता गुरु जी बताएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अगर मैं ड्राइवर बनूंगा तो आपको ले जाऊंगा, अगर गुरु जी ड्राइवर बनते तो आपको सिद्धाश्रम ले जाएंगे, लेकिन गुरु जी आपके ड्राइवर बने कैसे, इसकी इस क्रिया के लिए क्या करना है जो आपको सिद्धाश्रम पहुँचाए उस रथ में उस कार में जो सिद्धाश्रम नहीं जा सके, या दशमा विद्याओं को करने की जरूरत ना पड़े और उस वाहन में हम सिद्धाश्रम पहुँच जाए उसके लिए क्या करना है, और गुरु जी किस प्रकार समझाते हैं कि इस साधना को किस तरह करने से आप सिद्धाश्रम के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो, आपके जीवन में एक विशिष्ट काम को आप कर सकते हो। मैं आपको अभी आपने देखा है बहुत सारे जैसा सुबह मैंने कहा है ब्रह्मचारी है तो कर्मचारी भी, कर्मचारी है तो अस्थानचारी भी और आचार्य भी, ये चारी क्या मतलब होता है, चर्चा करने वाले तो चार ही कार्य, कर्मचारी आ जाए ब्रह्मचारी आ जाए, ब्रह्मचारी ब्रह्म को जानने वाला, कर्मचारी कर्म को जाने गुलाम बनने वाला, सेवक बनने वाले को कर्मचारी का, और कर्मचारी केवल कर्म का फल लेकर जीता है, ब्रह्मचारी फल देता है उसको ब्रह्म को जाने वाले को ब्रह्मचारी कहा गया। इस क्रिया को हम किस तरह करें और इस तरह से हम कैसे आए, तो इस क्रिया को हम किस तरह करें और इस तरह करने से क्या करना चाहिए, यह एक विधान। हम अगर इस 5 दिनों में मैंने प्रभु सर्वदेव से प्रार्थना की थी कि गुरु पूर्णिमा के यह दिन गुरु ऐसी साधना में शिष्यों को देना चाहता हूँ जिसको वे तृप्ति के साथ सिद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो जाए। अगर मैं तृप्ति के साथ ये बात कहूँ तो पहली साधना यह होती है कि गुरु जी मेरी तृप्ति मुझे पैसा दे दो, मुझे घर दे दो, मेरे बच्चों की शादियाँ कर दो, मेरी शादी कर दो, मेरी शादी इसकी शादी किया तो ये एक बच्चा दे, बच्चा हो गया तो बच्चे की शादी हो जाओ, बच्चे को एक पोता हो जाए, अब वो जीवन में बूढ़ा हो गया सिद्धाश्रम आएगा नहीं, अब उसको ये सब देते हुए मैं अगर उसकी तृप्ति की बात करूँगा तो आगे चलेगा नहीं। अब ये चलते करते वो बीमार हो गया तो गुरु जी अब बीमार हो गया मैं क्या कर सकता, अरे मैं ये कार भी सिद्धांत में चल गया क्योंकि घर में नहीं मिल सकता, मार लेता हूँ मरता हूँ तो मेरा संस्कार तुम देखता, तुझे उसकी चिंता नहीं, मेरा संस्कार मैं करूँगा, उसको भरोसा नहीं है, उसको भरोसा है उनके ऊपर जो यहाँ खड़े हुए यहाँ जो यहाँ बैठे हुए उनके ऊपर भरोसा है, गुरु पर भरोसा कहाँ तक कर सकता है वो, कहाँ से कर सकते इतनी चिंता के अगर आए तक कर सकता है, गुरु जी यहाँ खाना खिलाएंगे, तीसरे दिन बोलेगा कि गुरु जी मैं घर जाऊँगा, क्यों बीवी बच्ची याद आ बीवी बच्चों के पास जाना है, नौकरी याद आ रहा है, कर्मचारी ये सब तुम्हारे पीछे सारी चीज़ें पड़ी, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ रहो कहने के लिए कहूँ तो तुम यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आपके पीछे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई, तो मैं ये क्या कहता हूँ एक बार उस दृष्टि को देखो, उस तत्व को देखो जो सिद्धाश्रम नाम की चीज़ है जिसे गुरु ने कहा है, एक बार सिद्धाश्रम को देखो और आप देखो कि उस आनंद को किसको प्राप्त कर सकते हैं, फिर उस आनंद को कभी आप नहीं भूलेंगे, कभी आनंद को गुरु उस तत्व को नहीं भूलेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, तो इन देवी या पांचों की गुरु पूर्णिमा के दिनों में मैं चाहता हूँ कि आप उस सिद्धाश्रम साधना को करें जो आपको न्याय प्रदान कर सके, जो आपको न्याय गिरा सके, जो आप दूसरे के पास से अन्याय ना सह सके और अन्याय करने वालों के ऊपर आप प्रहारित बने, अन्याय करने वाला काम को जाए कि इसको अगर हम फ्री लेते हैं तो हमारे ऊपर प्रहार करेगा, धोखा देने वाले ये सोचे कि इसको धोखा दे तो हम जी नहीं सकते।
मैं कभी आपको कभी कभी मेरे जीवन में प्रसव की बात है, पति और मैं बैठकर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अगर आपके शब्दों में कहूँ तो मुझे धोखा दिया, क्या है पैसे लेकर चले गए, मैं उनको पैसे मांगने नहीं गया और कोई काम करके लेकर चले गए फिर वो नहीं आए, या कुछ भी ऐसी प्रकार की धोखा है। तो पत्नी कहते हैं इतने लोगों ने आपको धोखा दिया, आप कुछ नहीं कहते। मैं बोला वो हमारा बड़ा मालिक बैठा हुआ है, उसे पता नहीं क्या मुझे धोखा दिए हैं, मेरी शायद वो देखने वाला है, तुझे मेरी क्या चिंता, मुझसे तो क्यों चिंता करती है, वो तो वो देखने वाले। तो एक छोटी सी घटना जीवन की बता रहा हूँ। एक बार एक आदमी आया और धोखे के कारण इतना मुझे सताया, इतना मुझे बताया कि मैं उस आदमी से 3 साल परेशान रहा जब तक मैं गुरु मंदिर करता था, लेकिन मैंने कभी गुरु से ये नहीं कहा कि गुरु जी मुझे वो आदमी सता रहा। आदमी बहुत सता के गया, मेरे पास से पैसे लेके गया, बहुत गया, सब कुछ गया, लेकिन एक बार बैठे बैठे उसने एक किया कि जो उसके घर में फालतू पड़ी हुई थी वो चीज़, गुरु जी इसका ये चीज़ क्या है, इसके साथ क्या करते हैं, मगर मुझे पता नहीं कि इस चीज़ का क्या करते हैं, मुझे मालूम नहीं। तो उसने कहा कि गुरु जी ये जब से हमारे घर में आई है हमारे घर में पीड़ा ही पीड़ा है, तो क्या करता है वो पीड़ा गुरु पे डालना चाहता है, बोलता है गुरु जी मैं आपको दे देता हूँ, आपके पास उसकी घर की पीड़ा गुरु के पास डाल देता हूँ, वो मुझे दे दिया। उसने मुझे इतना धोखा दिया था कि आप बातों बातों में बहुत बार कहता रहा, ये भी कहते हैं, ये मैंने मेरे जीवन का अनुभव बताया, लेकिन मैंने कभी गुरु से ये कहा कि प्रभु उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे बहुत सताया है, उसने मुझे बहुत तरीके से कष्ट पहुंचाया है, मैं बहुत दिनों तक चैन की नींद भी नहीं सकता था, इतना उसने सताया, लेकिन मैंने कभी मेरे गुरु मंत्र में या गुरु पूर्णिमा में या गुरु जन्म में किसी प्रकार के समय में मेरा कार्य करता गया, मैं समझा कि गुरु की इच्छा है, जो भी हुआ हुआ चले गए। बहुत साल हो गए, बाद में क्या हुआ, इतने में जब अपन हम मैं चाहता हूँ कि ये गुरु का मंदिर बनाना चाहता हूँ, गुरु मंदिर के लिए मैं बात करते करते वो एक बार अलमारी ढूंढते ढूंढते वो वस्तु मिल गई जिसने वो पीड़ा के लिए मेरे पास दिया था, वो मेरे पास से पड़ी हुई, मैंने वस्तु को निकाल कर देखा कि ये वस्तु है क्या, तो वो क्या था, कुछ सफेद जैसी वस्तु थी, तो मैंने देखकर बोला कि ये उस वस्तु से हम क्या करेंगे, मैं भी देखकर बैठे रहा, बाद में देखते देखते ये हुआ कि उस वस्तु के बारे में लोगों ने कहा कि ये मरी हुई एक हाथी की हड्डी है, मरे वाले हाथी की हड्डी है, क्या करना इसको फेंक दे। तो मेरे पास घूमते घूमते एक तांत्रिक आ गया और तांत्रिक ने आकर कहा मैं फलाने उज्जैन से आया हूँ और हमारे गुरु ने आपको आपके पास भेजा, मगर इसलिए इसलिए एक वस्तु आपके पास है, मगर कौन सी वस्तु क्या मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि हाथी की हड्डी आपके पास है, अगर आप वो मुझे देते हैं तो हमारे गुरु ने कहा है कि वो उनको चाहिए। मैं बोला मेरे पास नहीं है, रवि मेरे पास कहाँ है, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि वो वस्तु मेरे पास पड़ी। मैं बोला अच्छा है, वो पीड़ा मेरे को ले गए और ये लेना चाहता है, ये पीड़ा ये ले जाए, पीड़ा चले जाएगी मेरे पास से, मेरे पास चले जाए। तो उसने जब उस वस्तु को ले, उदाहरण देता हूँ, वो वस्तु को ले लिया तो उस जो तांत्रिक मेरे पास आया था, तो आप इसको कितने में बेचोगे, बेचोगे किसके बेचता हूँ, मैं बेचने की क्या क्या है, उनका बेचनी है, अरे प्रभु आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपये है। उसने धोखा दिया था, शायद मुझे समझे धोखा दिया था 50 लाख का और मुझे गुरु ने फायदा दिया 10 करोड़ का। तो आप बोलो ये मेरे जीवन का अनुभव, एक उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें कि हम गुरु जी को सताना नहीं चाहिए, गुरु जी की चरणों को उनकी माया को समझना चाहिए। जिस दिन माया को समझोगे तो आप इस बात को जानकर ये हर्षा हैरान हो जाओगे कि वो कभी आपको किसी को नहीं दे, धोखा देने वाला खुद धोखा खाएगा, खुद खाएगा, क्योंकि आपको सहन शक्ति नहीं चाहिए कि मैं गुरु के प्रति निष्ठावान, मेरा काम हुआ तो गुरु अच्छा, मेरा काम नहीं हुआ तो गुरु गलत, ये कहने वाले कभी उद्धार नहीं हुआ। और कहा कि ये मेरे गुरु हैं और मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, मेरे गुरु मेरा अच्छा ही करते हैं, अगर ये तुम्हारी धारणा है तो तुम्हारी अच्छाई ही होगी। मैं तुम्हें कहता हूँ अगर कोई सिद्धार्थ हम पहुँचना है तो आपको ये सब गुरु कहता है वो जानना ही चाहिए। सच बात तो ये है कि बाद में जब पता चला कि इसकी